नकल माफियाओं के लिए जिला बलिया खासा चर्चित है। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार के लिए नकल विहीन परीक्षा कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। बावजूद इसके बलिया में नकल का खेल बदस्तूर जारी है। शनिवार को बलिया में एसटीएफ की टीम ने मोहम्मद मुनीर मुस्लिम इंटर कॉलेज हथौड़ी में छापामारी की, जिसके बाद परीक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया। एसटीएफ ने यहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के साथ ही इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कल यहां पर मोहम्मद मुनीर इंटर कॉलेज हथौड़ी पड़ता है, थाना क्षेत्र गढ़वार, वहां पर एसटीएफ की टीम ने कार्यवाही की थी और उसमें पेपर को सॉल्व करते हुए जो है परीक्षा केंद्र के बाहर उन्होंने पकड़ा था, जिसमें थाना गढ़वार में जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया है। 7 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। हर परीक्षा केंद्र बाहर एक स्थान पर जो है कॉपियाँ लिखे जाते थे और जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है, इन सारे प्रकरण के संबंध में जो भी गहनता से विवेचना की जा रही है और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाएगी। किसने गिरफ्तार किया है इन लोगों को? एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है और प्रभारी निरीक्षक गढ़वार